अस्सलाम वालेकुम, हम ना विद STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के मिड टर्म अच्छे से हो गए होंगे और मिड टर्म की इतने मार्क्स की जो है वो टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसमें फेल पास का कोई कंसिडरेशन नहीं होती। और आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो हैं फाइनल्स की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि फ़ाइनल्स के जो हैं मार्क्स बहुत मैटर करते हैं आप लोगों के CGPA के लिए। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का लेसन नंबर 23, जो कि आप लोगों के फ़ाइनल का फर्स्ट लेसन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस लेसन में आप लोगों ने कवर करना है, और आपके जो पहली 3-4 लाइंस हैं वो क्विज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि आप लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स का, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी हो वेरिएबल आप लोगों का मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने उसको कैपिटल एफ से डिनोट करना है। वो रैंडम वेरिएबल वाई है तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। जो भी आपका वेरिएबल कंसिडर करेंगे उसी के लिहाज से आप लोगों ने एफ कैपिटल को डिनोट करना है, और उसकी डेफिनेशन जो है वो होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज स्मॉल स्मॉलर देन स्मॉल एक्स। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्विज है वो है ये कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो एब्रीविएशन उसकी होती है डी एफ, यहाँ पे स्मॉल डी एफ है, कैपिटल डी एफ नहीं है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। आप लोग आगे जाके फाइंड करेंगे जब देखेंगे क्वेश्चंस, जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों ने जो सी डी एफ फाइंड करना है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो भी फाइंड करेंगे वो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही कहलाएगा, और उसी को हम लोग कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद हो गए होंगे। आगे एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, उस चीज़ को देखते हैं और आप लोगों का लेसन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर, मैंने यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की है। ये हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करके आंसर निकाल के बताना है कि आया आप लोगों ने वो आंसर निकाला है या नहीं निकाला, क्योंकि आप लोग वैसे तो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, आप लोग पढ़ने की इतनी ज़्यादा ट्राई करते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को साथ साथ लेके चलूं। तो आप लोगों का यही होम टास्क है, 2-3 होम टास्क होंगे और वो आप लोगों ने करके मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हैं या नहीं और आप लोगों से वो सॉल्व हुए हैं कि नहीं। ये जो हाईलाइट किया है आप लोगों का क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। आपको एग्जांपल नंबर ऑफ हेड्स के थ्रू करवाऊंगी और आप लोगों ने खुद जो प्रैक्टिस करनी है वो नंबर ऑफ टेल्स के लिहाज से करनी है। और व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, अब ये जो बैलेंस्ड कॉइन्स लव्स यूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हम लोग जब बहुत ज़्यादा सिक्के जो हैं पुराने हो जाते हैं या बच्चों के हाथों में दिए हों तो वो कहीं फेंक देंगे या कहीं लग जाएंगे, तो उनके अंदर थोड़ा सा सुराख हो गया या उनके साइड्स पे वो थोड़ा सा टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर हम लोग टॉस करेंगे तो क्या पता पॉसिबिलिटी है हेड और टेल ना आए और वो खड़ा हो जाए। ठीक है, मतलब एक अनबैलेंस, इसलिए वर्ड बैलेंस यूज़ किया है। आप लोगों ने उनको डिपिक्ट करना है ग्राफिकली भी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो काम होगा आपका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो ये है कि आप लोगों ने सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं कि आप लोगों ने बात जो हो रही है वो कॉइन की हो रही है, तो कॉइन्स के कितने फेसेस होते हैं, हेड या टेल, दो हो गए फेसेस, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे क्योंकि हम लोग कितने कॉइन्स ले रहे हैं, 3, 2 पावर 3। आप लोग कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो 2 पावर 3 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना आ जाएगा, 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। आपके जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 8 का बनेगा, वो कैसे बनेगा ये देख लें। हेड 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 पॉसिबिलिटी है कि हम लोग तीनों सिक्के एक साथ जब फेंकें तो तीनों जब नीचे गिरें और उनके ऊपर तीनों के ऊपर हेड 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 आए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम लोग फेंकें और तीनों पे टेल 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 आए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले दो पे हेड आए, दूसरे पे तीसरे पे टेल आ जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, फिर हेड आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सबको मिला के हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से।
नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, अच्छा अब इसी को एक दफ़ा और एग्जांपल दे देती हूँ, छक्का जो होता है उसके लिहाज से समझाने की कोशिश कर लेती हूँ। जो छक्का होता है, लूडो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों में से किस किस को पसंद है वो मैं नहीं जानती। और अच्छा छक्का के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जब अगर मैं कहूँ कि आपने 2 छक्के एक साथ फेंकने हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, 6 मतलब उसके फेसेस कितने हैं, 6, और उसकी पावर जो है वो 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 छक्के लिए हैं। तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, तो उनका सैंपल स्पेस 36 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना है वो जो ये जो हाईलाइट किया था नंबर ऑफ हेड्स, इसको देखते हुए हम लोगों ने जो करना है वो क्या करना है कि हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स को डिनोट करना है एक्स से, कैपिटल एक्स से। और वो क्या होंगे, वो कौन से रैंडम वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों को बताएंगे कि नंबर ऑफ़ हेड्स कहाँ पर कितने आए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हेड पॉसिबिलिटी है कि तीनों पे ही हेड आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि कोई हेड ना आए, तो कोई हेड ना आए वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ रही है, टेल टेल टेल, तो ये जो है कोई हेड नहीं है मतलब 0। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक हेड है, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक और भी होना चाहिए था, ये तो इसमें क्या है, एक हेड है तो वो 1 लिखा हुआ है। इसलिए कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 हेड्स होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें तीनों के तीनों हेड्स होंगे, जैसे ये हो गया। तो ये जो एक्स हैं ये हम लोग उसको शो करते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिससे हम लोगों को कंसर्न होती है। तो नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 0 1 2 3, जिसको हम लोग एक्स कहेंगे, ठीक है। इसी लिहाज से आपने टेल के साथ काम करना है। और अब उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से सैम्पल स्पेस में से ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ एक ही है, ये टेल टेल टेल। तो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम होते हैं, तो फेवरेबल कितने हैं, 1, उसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 8, उन 8 में से हमने 1 को चूज़ किया जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसमें एक हेड आ रहा, तो इस सारे सैंपल में से एक हेड जिस जिसमें आ रहा वो उन्होंने इधर लिख दिया, और ये कितने हो गए हैं, टोटल 8, और डिवाइडेड बाय 8, सॉरी टोटल 3 हैं और डिवाइडेड बाय 8 करेंगे क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम या सैम्पल स्पेस जो है वो 8 का बना है। नेक्स्ट इसी तरह बात करते हैं वो चांसेस या वो पॉसिबिलिटीज़ जिसमें 2 हेड्स आए हों, तो उन्होंने ये देख लें लिख दिया, आप लोगों को बेशक ऊपर से ढूंढना चाहें तो ऊपर से ढूंढ के दोबारा से यही चीज़ बनेगी, तो ये कितने आ गए हैं, 3 उन्होंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल कितने था हमारे पास, 8, तो ये 3/8 ऐसे आया। इसी तरह वो चांसेस जिसमें तीनों के तीनों हेड हों तो वो एक ही है, ये मौजूद है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, 1/8। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी थी, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यही चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली हम लोगों को नज़र आ जाएगा। नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं वो कितने थे, 0 1 2 3, 0 से कम भी नहीं हो सकते और 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। आप ये क्यों नहीं हो सकते ये देख लें, 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम लोगों ने फेंकने ही 3 सिक्के हैं, मैं छक्के कह देती हूँ, सिक्के हैं। और 0 से कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम लोग सिक्के फेंकें और हमारे पास हेड या टेल ना आए, और वो तो तभी हो सकता है ना जब हम लोग अपने शरारत करने के लिए या जादू करने के लिए हम अपने फ्रेंड को किसी ना दरख्त पे बिठा दें और उसको कहें कि जब सिक्का ऊपर आया आपने कैच कर लेना, उसको नीचे आने ही नहीं देना, तो वो पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ हेड्स 0 से कम आए। आगे 0 के सामने जो है 1/8 प्रोबेबिलिटी लिख दी है, 1 के सामने 3/8 है, 2 के सामने 3/8 है और 3 के सामने 1/8 है। अब जो है प्रोबेबिलिटीज़ का याद रखना है कि प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं आता, 0 और 1 के दरमियान में ही आता है आंसर सम का, प्रोबेबिलिटीज़ के सम का। अब यहाँ पे भी इन्होंने सम किया है, P/Q के फॉर्म में जब हम लोग सम करते हैं या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसका हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करना शुरू करेंगे, 1 + 3 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 8/8, और 8/8 = 1, ये प्रोबेबिलिटी इसलिए 1 आई है। अच्छा नेक्स्ट जो है आप लोगों को ग्राफिकली भी बताना है कि आप लोगों का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वो एक लाइन चार्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जबकि आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो एक सीढ़ियों की तरह आप लोगों को नज़र आएगा। आगे जाके मैं दिखाऊंगी बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने डिस्प्ले किया आप लोगों को, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया वो यही है कि ज़ीरो पे प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, तो उन्होंने एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 नंबर ऑफ़ हेड्स ले लिए और प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे शो की हैं। तो ज़ीरो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, वो यहाँ पे आके रुक गया। 1 की प्रोबेबिलिटी यहीं से देख लें आप लोग 3/8। कभी कभी आप लोगों को इस तरह का ग्राफ भी दे देते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग जो हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्राफ एक टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए कि आपकी एक्स की वैल्यूज़ कितनी है, 0, 1, 2, 3, और 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8 है और 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। मतलब आप लोग इस ग्राफ से इस टेबलर फॉर्म में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आप फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी आई होगी उसको हम लोगों ने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ही आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये देख लें आप लोगों का कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोग कैसे फाइंड करते थे कि पहली टर्म को एज इट इज़ लिखना था और नेक्स्ट उनमें प्लस करते रहना था। यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज नहीं है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी ऐसे ही लिखी है, पहली प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट वाली प्लस की, 1/8 में 3/8 प्लस किया, 4/8 हो गया, 4/8 में 3/8 प्लस करेंगे तो 7/8 हो गया, 7/8 में प्लस 1/8 करेंगे तो वो आ जाएगा आंसर 1। तो अब आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि आपके प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर वही होता है जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, दोनों सेम होते हैं। अच्छा, अब हम लोग उसको एक इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो टेबुलर फॉर्म है उसको अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स, देख लें एफ ऑफ एक्स कैपिटल है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आप लोगों को ये भी दिया जा सकता है और आप लोगों ने फिर टेबुलर फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये है कि आप लोगों की उन्होंने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ आप लोगों को दी होंगी, वो क्या है, 0, 1/8, 4/8, 7/8 और 1। अब 0 जो है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब आप लोगों के पास कोई भी हेड या टेल नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आपकी एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग अपने दोस्त को जो है दरख्त पर चढ़ा दें और सिक्का को नीचे आने ही ना दें, तो नंबर ऑफ़ हेड्स या टेल का तो किस्सा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ वो लिखी हुई है। अब 1/8 कब होगा, जब आपकी वैल्यूज़ 0 या 0 से दरमियान में, जो 1 के दरमियान में वैल्यूज़ हैं, 0 या 1 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारा जो है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ही होगी, 1/8 सॉरी। लेकिन एट जैसे ही आप लोग 1 फर्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, मतलब 1 पे पहुंचेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज होकर वो 4/8 हो जाती है। यहाँ पे ये देख लें 4/8 लिखा हुआ है, और वो कब होगी, जब आप लोगों का 1 से लेके 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सबका आंसर 4/8 ही आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ़ हेड्स 2 हो जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिर से चेंज हो जाएगी। इसको अगर यहाँ पे नहीं समझ आई तो आपका ये वाला जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरी उस बात को समझने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं उन्होंने सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में लिखा है, मतलब ये 1/8 और 4/8 को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप लोग दोबारा से कुछ भी एग्जांपल लेके, मतलब इसी को दोबारा से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यूज़ हों उसका आंसर मैंने क्या बताया था, 1/8 ही होगा कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा, 1/8 ही होगा। लेकिन जैसे ही आपके नंबर ऑफ़ हेड्स में 1 लिखा जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी वो चेंज होकर 4/8 हो जाएगी। अब ये देख लें, उन्होंने लिखे हुए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, 0.9 भी हो सकता था, तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटीज़ 0 ही होंगी, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटीज़ एक रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हेड और टेल 1, 2, 3 आ सकते हैं, कभी भी ये नहीं हो सकता है कि वो पॉइंट्स में आए, ठीक है। तो जब भी पॉइंट में आप अगर उसका नंबर ऑफ़ हेड्स देखना चाहेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। ये देख ले 1/8, जब कोई भी हेड मौजूद नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 आई थी,
तो वही कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हम लोग जब निकालेंगे तो 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 में 0 प्लस किया क्योंकि 0.2 प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकती, तो वही 1/8 चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 आया तो आपकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होकर 4/8 हो गया। इसी तरह अगर आप लोग नेक्स्ट करें तो 1 से लेकर 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके आंसर 4/8 ही आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग 2 लिखेंगे तो उसका आंसर चेंज होकर 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लें, उन्होंने एक्सप्लेन वही चीज़ की है कि दिस द अबव टेबल क्लियरली शोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ लेस दैन एनी वैल्यू लाइंग बिटवीन 0 and 0.9999, मतलब 0 से लेकर 0.999 तक की वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटी जो होगी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी वो 1/8 ही रहेगी। जैसे ही वो एक्सीड करके 1 पे जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों को वो ये फिर से वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/8 कैसे हुआ या 7/8 कैसे हुआ या 4/8 कैसे हुआ। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे ख्याल से यहाँ पे इक्वल टू भी आना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं लिखा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब इक्वल टू आएगा तब ही हम लोग 1 और 0 का प्लस कर सकते हैं, अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो हम लोग 1 से लेस लेंगे तो वो 0 वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए था। अब यहाँ पे ये देखें, एक्स इक्वल टू आता तो हम लोग 2 की वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं और वैसे नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये स्टेयर केस का जो मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्टेयर केस के मानंद होगा, मतलब आपकी एक सीढ़ी ये आई है, दूसरी सीढ़ी यहाँ पे, चलते चलते आप लोग एंड पॉइंट पे पहुँच गए। अच्छा, आपके जो 2-3 क्विज़ हैं वो ये हैं कि आप लोगों का जो ग्राफ है ये रिजेंबल कर रहा है स्टेयर केस के मानंद, इसका नेक्स्ट नेम जो सेकेंड नेम जो है वो स्टेप फंक्शन भी है, इसका एक और नाम है जंप फंक्शन, एज इट जंप्स एट इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आप लोग नेक्स्ट जो है स्टेयर पे चढ़ते जा रहे हैं। ये आप लोगों का स्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ था। नेक्स्ट आप लोगों के एक एग्जांपल बहुत अच्छी है जो आप लोगों के पेपर में भी आती रहती है और आती भी हैं। ठीक है, वो ये हैं कि अ लार्ज एग्जाम्पल देख लें, क्या क्वेश्चन क्या है, लार्ज स्टोर प्लेसेस इट्स लास्ट 15 क्लॉक रेडियोस इन अ क्लियरेंस सेल। एक स्टोर है जिसने 15 जो लास्ट रेडियोज हैं वो सेल करने के लिए रख दिए हैं, अननोन टू एनीवन, हम में से किसी को नहीं पता कि उसमें से 5 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। टोटल 5 डिफेक्टिव हुए, 15 टोटल हैं तो गुड कितने हो गए, 10। ठीक है, इफ़ आ कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक रेडियोज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने रैंडमली जो हैं 3 रेडियोज उनमें से उठाने हैं उन 15 में से और चेक करना है कि आया हमारे जो हैं हम वो कहते होते हैं ना कि जैसे हम लोग चावल पकाते हैं तो एक दाना जो है उसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि हाँ जी पक गए हैं कि नहीं पके। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि हम लोगों ने 3 क्लॉक्स देखने हैं तो उससे हमारा माइंड जो है सेटअप हो जाएगा कि सारे ही ठीक हैं या क्या चक्कर है, वो सारा कुछ है। ठीक है ना, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोज इन अ सैम्पल। आपने जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गुड रेडियोज इन द सैम्पल। ठीक है, लेकिन ये है कि ये आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि गुड रेडियोज 10 हैं तो वो आपके ये जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने फाइंड किया ना तो ये आगे जाके 10 तक जाएगी। अच्छा चलें, इसको समझ लें, आगे शायद आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। अच्छा जी, हमें इस क्वेश्चन से ये समझ आती है कि हम लोगों ने एक अपनी आसानी के लिए एक टेबल बना लेना है जिसमें टाइप्स ऑफ क्लॉक लिखने हैं क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स हैं क्लॉक की, एक अच्छे वाले हैं और एक ख़राब वाले हैं। तो अच्छे वालों को गुड लिख दिया, डिफेक्टिव ख़राब वालों को लिख दिया। गुड कितने बच गए, मैंने पहले बता दिया था कि 15 हैं, उसमें से 10 अच्छे होंगे और 5 जो हैं वो ख़राब होंगे और टोटल कितने हो गए, 15। यह आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जिससे आप लोगों को थोड़ी सी बात जल्दी समझ आ जाएगी या आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखें, टोटल जो हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेडियोज आउट ऑफ 15, जाहिर बात है हम लोगों ने 15 में से सेलेक्ट करने हैं ना, और कितने करने हैं, 3। तो हमारी जो परम्यूटेशन बनेगी वो क्या होगी, 15P3 टोटल की। अब हम लोगों ने सेलेक्ट कितने करने थे, पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गुड रेडियोज, हमारी तो यही कोशिश होगी ना कि हम लोग तीनों के तीनों से ही जो है सेलेक्ट करें।
तो सही जो है वो कहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इन 10 में से, तो 10 P3। और जब हम लोगों ने तीनों के तीनों ठीक कर लिए तो डिफेक्टिव तो हमारे पास कोई नहीं रहेगा, तो 5 P0 आ जाएगा। अब ये तो वो है जिसमें से हमारे तीनों के तीनों ठीक हैं और कोई भी ख़राब नहीं है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि आपने इन वाली वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है टोटल वाली वैल्यूज़ पे। तो 10 P3 करेंगे, उसका आंसर 720 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। 5 P0 करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 2730 आई थिंक आएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.26 आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 1, 2 और 3 का भी कंप्यूटेशन करनी है और उनकी वैल्यूज़ को निकाल के उन्होंने ये लिख दिया। जब आप लोग 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 P2 और 5 P1 हो जाएगा, क्योंकि एक डिफेक्टिव हम लोगों ने लेना है। एक डिफेक्टिव ले लिया तो 2 गुड हो जाएंगे, अगर 2 डिफेक्टिव लिया तो 1 गुड हो जाएगा, अगर तीनों डिफेक्टिव लिए तो यहाँ पे 10 P0 भी आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस उनकी की है, एक दफ़ा करके देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी, 1 का आंसर जो है 0.49 आएगा, 2 का आंसर 0.22 आएगा और 3 का आंसर 0.02 आएगा। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 आता है या 1 से 0 और 1 के दरमियान में आता है। जब इनको प्लस किया तो 0.99 आया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। तो अगर हम लोग इसकी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होगा वो लाइन चार्ट होगा। उन्होंने फिर से एक ग्राफ शो कर दिया, वो देख लीजिएगा। अब आगे जो है आप लोगों को बताया जा रहा है, यह आप लोगों का क्विज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायग्राम बता रही है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा सिमेट्रिक नहीं रहती। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हमेशा उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आती, कभी कभी नेगेटिवली स्क्यूड भी हो जाती हैं, कभी कभी पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो जाती हैं। अब इसी क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए क्या करते होते हैं हम लोग, यस, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वही उन्होंने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, और जो कि आप लोगों का कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल बताया। कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं या कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पहले वाला ऐसे ही लिखेंगे और उसमें नेक्स्ट वाला प्लस करेंगे, 0.75 आ गया, 0.75 में प्लस करेंगे 0.22, वो आ गया 0.97, इसमें फिर 0.02 को प्लस करेंगे विच इज़ 0.99, जो कि आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बन रही थी। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन जो है वो इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वही चीज़ है जो बार बार आप लोगों को मैंने ऊपर बता दी है। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, उसको डिनोट कैसे करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई लिखा हुआ तो ई ऑफ वाई हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ तो ई ऑफ एक्स हो जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ई ऑफ एक्स जो है उसको सेकंड नेम मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है म्यू से, ये आपने याद रखना है। अब मीन है ना, आप लोगों को बता दिया कि ई ऑफ एक्स जो है वो मीन है, तो मीन हम लोग 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते थे। वो क्या था, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप वैसे नहीं फाइंड कर सकते तो एक ये वाला फार्मूला था कि एक्स को मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ एक्स के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका मीन होगा। मीन निकालने के 3 फार्मूलाज हैं, समेशन एफ एक्स मतलब एफ एक्स की वैल्यूज़ को सबको प्लस करो और एफ की वैल्यूज़ को प्लस करो, उन दोनों को डिवाइड करो, वो भी आपका मीन है। अगर वो नहीं करना तो आप एफ एक्स और एक्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते रहो और जो सम आएगा वो आपका मीन होगा। और एक जो सिंपल मीन हम लोग निकालते होते थे वो कैसे था, समेशन एक्स ओवर एन। अच्छा, नेक्स्ट आगे जाके देखोगे आप लोग, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो वो आपके क्वेश्चन के लिहाज से पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स चेंज होता रहता है। और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि इट शुड बी नोटेड दैट ई ऑफ एक्स इज एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एफ एक्स ओवर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम लोग ट्रायल्स को चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते होते थे ना, तब हमारे जो ट्रायल्स हैं वो 100 तक भी जाते होते थे, 100 से एक्सीड भी कर जाते थे। लेकिन आप लोगों का जो है इस वक्त, आप लोग 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रायल्स बहुत हैं।
अच्छा एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, बहुत मज़े की है, और इस तरह की क्वेश्चंस लाजमी आते होते हैं, और ये आप लोगों ने देखना है, इसका भी होमवर्क आप लोगों को दूंगी, ट्राई करिएगा, देखिएगा आप लोगों को चीज़ समझ आई है कि नहीं आई। इफ़ इट रेन्स, अगर रेन होती है तो अम्ब्रेला सेल्समैन का जो अर्निंग होती है वो कितनी होती है, $30 पर डे। एक दिन में अगर बारिश हो रही है तो सेल्समैन, जारी बात है बारिश हो रही है तो सारे लोग अम्ब्रेला सुनेंगे, काम पर जाना तो छुट्टी तो हो नहीं सकती, संडे हुआ तो वो तो अलहदा बात है ना, उस पर तो बहस नहीं ना कर सकते हम लोग, संडे हो जाए तो, या तो सारा हफ्ता ही संडे हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा इफ़ इट इज़ फेयर डे, अगर तो बारिश नहीं हो रही तो उसको लॉस होता है $6 पर डे का, ठीक है। बट इज़ हीज़ एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0.3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो 0.3 है। इसका आपने जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपने इवेंट्स देखने हैं, इवेंट्स कौन से हैं, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी, ठीक है। अमाउंट अर्नड वो कितनी अर्न करेगा, अगर तो रेन हो रही है तो वो $30 अर्न कर रहा है जो कि एक्स है आप लोगों का, और अगर बारिश नहीं हो रही तो वो लूज़ करेगा, मतलब लूज़ मतलब माइनस, और 6 उन्होंने लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो कह रहे हैं रेन होगी तो प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ये देख लें पी ऑफ एक्स जो है उन्होंने 0.3 लिख दिया रेन के सामने, और नो रेन, आप लोगों को अब यहाँ पे खुद सोचना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है टोटल, वो 1 होती है, तो 1 में से 0.3 माइनस करोगे तो आपके पास जो नो रेन की प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 हो जाएगी। अब जब आप लोग इन दोनों को प्लस करोगे तो फिर भी वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या काम था कि हम लोगों ने ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन निकालनी थी, तो मैंने क्या कहा था एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या है, एक्स को एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे तो हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, फंक्शन तो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें एक्स की वैल्यू 30 है और प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.0 आ गया, और ये जो हाईलाइट किया हुआ ये आपका टोटल जो आएगा इसका वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। इसी तरह हम लोगों ने एक्स की दूसरी वैल्यू जो कि नो रेन पे आ रही थी वो -6 को मल्टीप्लाई किया 0.7 के साथ, तो वो आ गया -0.2। इन दोनों को जब ऐड किया तो 4.8 जो है एक्सपेक्टेशन आ गया या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है जो उसने अर्न करनी है अगर 0.3% चांस हैं रेन होने के। अब आप लोगों ने जो होमवर्क है वो ये है कि आपने सेल्समैन की अर्न जो है इसको चेंज करके 40 करना है, मतलब अर्निंग जो है अगर रेन हो रही है तो $40 है, अगर तो रेन नहीं हो रही तो उसकी जो अर्निंग है वो $8 कर लें, ठीक है, 40 और 8, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन की, बल्कि नो रेन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इज़ 0.4। ये आपका क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो आप लोगों ने चीज़ याद करनी है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो हाईलाइट कर दी है आप लोगों को, और वही याद रखनी है, इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो चीज़ नहीं करवा रही हूँ ये आप लोगों को अभी इस लेवल पे नहीं आएंगे, हाँ मास्टर्स लेवल पे आप लोग स्टैट्स को रखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग वहाँ पे समझाते हैं। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वी कॉल दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू द वेरियंस एंड डिनोटेड बाय इट्स वेरियंस ऑफ एक्स आर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं ना, अब ये कैसे निकालते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये आई थी ई ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है, ई ऑफ एक्स इसका होल स्केयर कर देंगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर मतलब ये इस एक्स को एक्स स्केयर करेंगे, इन दोनों को स्केयर करेंगे और उसको फार्मूला आगे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ई ऑफ एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपने ये याद रखना है कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, मतलब ई ऑफ एक्स की वैल्यू जो आई है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन के साथ। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर हम लोग इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बच जाएगा और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और उसका फार्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग पेपर देंगे तो आप लोगों को खुद मेरा ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना ना ये याद आएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो आप लोगों का फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करने के लिए वो कहते हैं, तो आप लोगों ने स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू बीटा वन है, और उसका फार्मूला जो होता है वो म्यू थ्री होल स्केयर डिवाइडेड बाई म्यू स्केयर होल क्यूब है। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को वो वैल्यूज़ दे देंगे म्यू थ्री इक्वल्स टू थ्री और म्यू टू इक्वल्स टू सिक्स, तो आप लोगों ने जो है बी वन फाइंड करना है या स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो उसको क्या करना है कि म्यू थ्री का होल स्केयर करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको म्यू टू की वैल्यू के क्यूब लेके। इसी तरह अगर कर्टसिस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है म्यू फोर, मतलब आप लोगों को वैल्यू अगर वो कह देंगे कर्टसिस फाइंड करें या बी टू फाइंड करें तो क्या होगा, वो आप लोगों को म्यू फोर की वैल्यू दे देंगे और म्यू टू की वैल्यू दे देंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, म्यू टू का होल स्केयर कर देना है और उसको जो है म्यू फोर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाली, और ये आप लोगों को ये क्वेश्चन में भी आती होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी देख लें एक दफ़ा अलहदा से करवाने की मैं कोशिश भी करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसी भी कांस्टेंट नंबर की वो एज़ इट इज़ सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही आता है आंसर, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ई ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल है तो वो आपका कांस्टेंट टर्म अलहदा हो जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी उस वेरिएबल की आ जाएगी, प्लस आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि कांस्टेंट टर्म की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट टर्म इटसेल्फ होता है। इसको अलहदा से एक दफ़ा करवाने की मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए ई ऑफ टू मैंने लिखा है, ई ऑफ टू इक्वल्स टू टू है। अगर आप लोग यहाँ पे ई ऑफ हंड्रेड करते हैं या आप लोगों को दिया जाता है कि आप वैल्यूज़ फाइंड करें, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड करें, ई ऑफ टू इक्वल्स टू टू आ जाएगा। अगर ई ऑफ हंड्रेड लिखा हुआ, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ, तो वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो कह देते हैं कि आप फाइंड करें अच्छा जी फाइंड क्या करना है, ई ऑफ टू वाई प्लस थ्री फाइंड करना है। ठीक है, टू वाई प्लस थ्री कैसे फाइंड करेंगे, टू आपके वेरिएबल के साथ है तो टू आपका अलहदा हो गया, ई ऑफ वाई हो जाएगा प्लस ई ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो एज इट इज़ थ्री हो जाएगा। अब कभी कभी वो ये भी कह देते हैं इफ़ ई ऑफ वाई इक्वल्स टू टू डैन फाइंड ई ऑफ टू वाई प्लस थ्री, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये ई ऑफ वाई की वैल्यू जो है पुट करनी है और आपने सिंपल एक आंसर देना है। तो ई ऑफ वाई की वैल्यू टू है तो टू को मल्टीप्लाई टू किया फोर हो गया प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन हो जाएगा। इसी तरह ये देख लें ई ऑफ फाइव एक्स, एक्स वेरिएबल भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वो उनकी अपनी मर्जी है। और ई ऑफ फाइव एक्स माइनस एट है, जब प्लस वाला फार्मूला है तो माइनस वाला भी होगा। ये कभी कभी आप लोगों को सिंपली याद होते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख दें, तो ये तीनों लिखेंगे तो तीन नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। वो क्या है, या अगर तो प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए कहते हैं तो ए और बी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उन्होंने कोई नंबरिंग दी हुई है तो वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए देंगे। तो फाइव जो है वो अलग हो गया ई ऑफ एक्स माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला, और ई ऑफ एट जो है एक्सपेक्टेशन एट की जो है वह एट ही होगी। नेक्स्ट देखें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों के क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे जिस तरह के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को ना मैंने बताया हो। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का एग्जांपल है लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स डेट अपीयर्स व्हेन थ्री कॉइन फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जब मैंने ऊपर आप लोगों को होमवर्क दिया है कि नंबर ऑफ टेल्स है, तो उसी को आप लोगों ने जब ऊपर करेंगे नंबर ऑफ टेल्स के साथ, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने अपना क्वेश्चन चेंज करके नंबर ऑफ टेल्स के साथ ही क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिस, ये आप लोगों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनी थी ना जो हम लोगों ने बनाई थी, तो अब उसी को लेके आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ऑफ एक्स। तो वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि एक्स और पी एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में, और उसका जो सम आएगा वो आपका ई ऑफ एक्स आएगा। ये देख लें एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, जीरो को वन बाई एट से मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, वन को थ्री बाई एट से मल्टीप्लाई किया थ्री बाई एट हो गया, टू को थ्री बाई एट से मल्टीप्लाई किया सिक्स बाई एट हो गया। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देंगे तो वो आपकी ई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
अब वो कह रहे हैं सपोज करें दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रेंडम वेरिएबल 2x+3। जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे चेंज करके बताया था ना, तो वो तो उन्होंने ई ऑफ एक्स की वैल्यू दी थी, तो आप लोग वैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 2x+3 के थ्रू फाइंड करें कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो यहाँ पे ये देख लें, एक्स की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 दी हुई है, वो आप लोगों ने वही यूज़ करनी है जो आप लोगों को क्वेश्चन में दी होगी। फिर उसके बाद जिस लिहाज से उन्होंने रैंडम वेरिएबल को या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को दी होंगी वो आपने लिखना, और एक्स की वैल्यूज़ को उसमें पुट करते जाना और अपनी वैल्यूज़ को लगाते जाना। देखें 2x+3 मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई की 0 हो गया, प्लस 3 करेंगे तो 3 आ गया। इसी तरह 2 की वैल्यू इस वाली वैल्यूज़ में 1 को पुट किया तो 2 1 2 + 3 = 5, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो आप लोगों के पास 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 हैं, वही लिख दी हैं। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2x+3 की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सारी वैल्यूज़ को जब हम लोग सम करेंगे तो उसका आंसर 6 आ गया है, जो कि हम लोग अगर एग्जैक्टली फाइंड करना चाहें पिछली वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ तो वो भी 6 ही आएगा। ये देखें ई ऑफ 2x+3 विच मीन्स आपका 2 बाहर एक्स्ट्रा चला गया, ई ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3, ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1.5, तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस 3 करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है इंसान कुछ हेल्प कर दे, कुछ ऐसा बता दे जिससे आप लोगों की ही हेल्प हो। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।